house, cause I'm an albatross. तो भाई लोग कैसे हो, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था मैं कॉन पर पहुंच चुका हूं, तो इसी वजह से आज के इस वीडियो में दो गेम प्ले, पहला गेम प्ले क्रॉन वन टायर का है और दूसरा गेम प्ले क्रॉनक्रेयर का है। भाई कॉनक्रेयर का गेम प्ले, दोनों गेम प्ले में आपको फर्क बताऊंगा, दोनों गेम प्ले मतलब अच्छे खासे में प्लस हो जाते हैं वो दिखाऊंगा। तो नॉर्मली मैं अपना ना पाथ देखता हूं और पाथ के एकदम जस्ट बगल में एक गाड़ी होती है, मतलब पाथ के बगल वाली रोड पे उतर जाता हूं और वहां पे गाड़ी उठा के चले जाता हूं, क्योंकि भाई मैं मानना है गाड़ी वहां से लो जहां पे गाड़ी की गन गाड़ी फाइट होने के चांसेस जीरो हो, और वो बहुत कम होता है एकदम वो पाथ के बगल वाली गाड़ियों में बिल्कुल फाइट नहीं होती। अगर फाइट होगी तो यहां पे मैं कंपाउंड है वहां पे चलाऊंगा, और मैं जा ही रहता हूं उधर मिल्टा पाव के साइड, तभी देखो राइट में मुझे गाड़ी स्पॉट होती है, मैं उसके पीछे चले जाता हूं। और भाई देखो यहाँ पे एक बंदा अभी अभी लैंड किया था इस बाइक पे बैठने के लिए, और ये बंदा बैठ भी नहीं पाया भाई, कितनी गंदी किस्मत थी, और इस गाड़ी वाले ने उसे पेल दिया, वो चल दिया मतलब गाड़ी से अपनी। तभी मैं निकल रहा होता हूँ, तभी राइट में देखो एक मुझे बॉट स्पॉट होता है, मैं उस बॉट को पेलने के लिए यहाँ पे आता हूँ, गाड़ी में मोड़ता हूँ, इस बॉट को आराम से मैं अपनी गाड़ी से पेल देता हूँ और इसी गन उठा लेता हूँ, क्योंकि भाई क्या पता जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे लेट हो गया हूँ, वहाँ पे पहले बंदा हो गया, तो इसलिए सेफ्टी के लिए गन उठा लेता हूँ और सीधा मैं निकल लेता हूँ जोन की तरफ। और जोन देखो भाई कितना अजीब सा है, मिल्टा पाव का पूरा उस साइड का है, मिल्टा पाव नहीं मिलिट्री बेस साइड का है, इसलिए मैं मिलिट्री बेस आता हूँ इस वाले कंपाउंड में, यहाँ पर गाड़ी रोकता हूँ और यहाँ पर आराम से सारे जो घर होते हैं सारी लूट लेता हूँ, और यहाँ पर लूटने के बाद वो डिसेंसी लूट मिल जाती है, तभी एक बॉट आता है मेरे को, तो आराम से डी बेस का हेडशॉट देखा सो पेल लेता हूँ। गेम प्ले काफ़ी सही से जा रहा था, मैं अच्छे किल भी हो गए थे, और यहाँ पे देखो तभी एक गाड़ी आती है भाई, मैं सोचा जोन के सेंटर में हूँ मैं, यहाँ पे गाड़ी आई है कंफर्म हैकर होगा, इसलिए मैं एकदम तैयार हो जाता हूँ एकदम मतलब उससे फाइट लेने के लिए, शॉट करने में हाथों में, और ये मतलब एकदम रेडी हो जाता हूँ। ये बंदा नहीं ऊपर रश कर रहा था, नहीं मैं देख क्लिफ देखो डेस्टिनी नाम का बंदा पिल चुका है, इसने स्टार्टिंग में उस बंदे को पेला था गाड़ी से उछल के, और ये बंदा मतलब आवाज़ आई ये बंदा जंप कर रहा है भाई, टीम अप वाला जंप होता है ना वो वाला जंप कर रहा है, तो मैं सोचता हूँ हैकर है और मेरे को उसे जंप करके मतलब मेरे को वो चांस दे रहा है ताकि मैं उसे ना मारूँ, वो मुझे मन ना मारे मतलब, इसलिए मैं भी थोड़ा सा रिप्लाई देता हूँ जंप करके और माइक कॉल पर कर लेता हूँ। इस बंदे से मैं इसका माइक से आवाज़ आती है और मेरी इससे बात होती है, इसकी बात सुनो। टीम अप करोगे भाई? कौन? नहीं भाई नहीं, हाँ से कर, मेरे तो डायमंड है डायमंड अभी। हाँ ठीक है जाओ भाई जाओ तुम। इस बंदे से मैं पूछता हूँ भाई तू हैकर है? इसने बोला भाई मैं हैकर नहीं हूँ, मतलब काफ़ी चांस मुझे लगा था ये स्टार्टिंग में हैकर था भाई, सेंटर में जो आया था, इसलिए मैं बोलता हूँ भाई उसने बोला टीम अप करेगा, मैंने बोला भाई रहने दे भाई टीम अप मत कर, इससे टायर पूछा भाई कौन से टायर पर, क्योंकि भाई क्या पता ये बंदा मतलब लो टायर पर और मैं क्रॉन वन पे हूँ भाई क्या माइनस लग जाए, इसलिए बोला डायमंड पे हूँ मैं, तो इसलिए मैंने भाई रहने दे मत कर टीम अप, तो अपना चले जा गाड़ी लेके और वहाँ पर लूट कहीं और चले जा, मैं यहीं पर रुकाऊँ। ये देखो गाड़ी उठा के चला गया, और मैं काफ़ी वेट करता हूँ यहाँ पे, जब तक जोन नहीं आता, जोन पूरा आ चुका है और मैं एकदम फिफ्थ जोन आने वाला है, गाड़ी में बैठता हूँ अब मैं जोन के लिए निकल लेता हूँ। अभी 17 बंदे लाइव हैं और इस लॉबी में काफ़ी हैकर थे भाई, ये देखो मतलब हैकर बहुत है, अभी आपको एंड में दिखाऊंगा हैकर कितने थे। अभी मैं जोन की तरफ रोटेशन देने के लिए निकल लेता हूँ, अभी मुझे पहले अभी गाड़ी घुमानी थी और परफेक्ट जोन में लोकेशन उसे होल्ड करना था, अभी मैं सिर्फ गाड़ी घुमाता हूँ जोन ना बने। ये मैं हाई रिस्क की साइड आता हूँ, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर रुकूंगा, देखो फिर कैप्टन नाम का बंदा है वो हैकर है, उसके एंड में दिखाऊंगा और भी बहुत हैकर है यहाँ पे इस लॉबी में। यहाँ पे मैं गाड़ी में मतलब हाई रिस्क पे आ चुका होता हूँ, और सामने जो गुफा होती है ना मैं सोच रहा था यहाँ से जालियों से निकलूंगा और गुफा पर जाऊँगा, बट यहाँ पर भाई जाली देखो भाई कितनी वाहिया से जाली, यहाँ पर घुस ही नहीं पाता और जोन भी था, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, सामने बंदा मेरे को फायर करने लग गया था और मैं तुरंत भगा लेता हूँ अपनी गाड़ी। और भाई किस्मत देखो भाई क्या ही बंदा कितना मतलब हैकर था भाई, वो एंड में बताता हूँ वो हैकर था कैसे था, यहाँ पे मतलब पूरी गाड़ी से जला दी मेरी, मैं अपनी तुरंत यहाँ पे गाड़ी मिली थी गाड़ी भी चेक कर ली भाई इसी दौरान मैंने, वो दोबारा मेरे पे भाई एकदम फायर करने लग गया। उसने ये वाली भी गाड़ी जला दी भाई, मैंने वो भाई कन्फर्म हैकर था वो,
बात रही, इतना बड़ा हैकर था उसने, तो फिर मेरे को मार क्यों पाया, क्योंकि भाई अगर हैकर का जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है 250 मैच खेले मैं सोलो में, मैं जितना भी एक्सपीरियंस है, सो हैकर आपको कभी भी गाड़ी से उतारने में कंफर्टेबल नहीं होता, मतलब अगर आप गाड़ी से हो हैकर मतलब आसानी से उतार नहीं पाएगा आपको, तभी मेरे को पीछे से मिनी 14 का काफ़ी अच्छा शॉट आता है भाई, तुरंत मैं कवर में जाता हूँ और यहाँ पे हीलिंग मारता हूँ भाई, कसम से मैं एकदम फंस चुका था, पीछे से वो बंदा हैकर था और सामने मिनी 14 और यहाँ पे राइट साइड पूरा एक्सपोज है मेरा एंगल, यहाँ पे जो भी गुफा वुफा आती, तभी मैं यहाँ वापस प्रोन हो जाता हूँ और यहाँ पे गाड़ी स्पॉट कर रहा होता हूँ, यहाँ पर मतलब मैं अभी जोन बनने का वेट था भाई, तो पीछे से मिनी 14 वाला था, पीछे से उसने मारी थी और टॉप 10 में तो आ चुका था, अब मुझे जितना भी कोशिश हो सके इतनी रैंकिंग ऊपर लानी थी, टॉप 5 या हैशटैग 1 भी हो जाए तो भी अच्छा है, यहाँ पर गाड़ी अच्छी तभी, और भाई क्या ही मारा है इस बंदे को, इसलिए मैं कभी बग्गी यूज़ नहीं करता भाई, ये बंदा गाड़ी लेके यहाँ पे आया और इसकी टायर जो है स्लिप हो गए और पूरा उस साइड चला गया, और तभी देखो सामने फ्लेयर चलाई बंदे ने और इस बंदे की पूरी बग्गी स्लिप हो गई, आराम से इसको पेल दिया मैंने एक आध बॉडी और शॉट से, तो देखो सामने जो केव है ना वहाँ पे एक हैकर है भाई, इसको देखो ये गाड़ी आती तभी सामने, और भाई कैप्टन उनके बंदे ने 68 वाइटी को पेल दिया, वो 68 वाइटी भी हैकर है और कैप्टन भी हैकर है, मैं पहले भाई समझ नहीं पाया वो क्यों हुआ गया, मैं उसको पेलने गया था वो गाड़ी आई तभी पीछे देखा उस बंदे ने फायर किया और उसको गाड़ी फोड़ दी, हैसे 3 बंदे थे, 3 बंदे लाइफ थे मतलब, और मैं 3 किल भी हो चुके थे मतलब अच्छी खासी रैंकिंग भी थी, अच्छी खासी वो भी था, और जोन देखो भाई बे ऑफ जोन मेरे पे बना ही नहीं भाई, कसम से अगर जोन होता ना काफ़ी चांसेस थे मैं अच्छा खेलता, यहाँ पर जोन बना नहीं था और मुझे जोन में जाना था और मेरे पास कोई भी गाड़ी नहीं थी और कुछ नहीं था, और सामने जो था हैकर था वो मुझे पता था भाई, मेरे पास कोई चारा नहीं था भाई कुछ भी बचने का, अब मैं देखो यहाँ पर कैसे मतलब काफ़ी से इधर खेलता हूँ, फाइट दी थी हैकर को मैंने भी, बट सभी को पता है एंड में क्या होता है, मर जाता हूँ भाई मैं, चिकन निकालना हैकर के सामने बहुत मुश्किल होता है जब तक कंडीशन आपके फेवर में ना हो, मैं सामने मार करता हूँ उस पेड़ पे, ऊपर वो जोन में नहीं होता पेड़, मैं सोचता हूँ स्मोक करके जाऊँगा, तो मैं सोचता हूँ आखिरी बार उस बंदे को पीक देके देखता हूँ कि मतलब बंदा मुझे दिख जाए, वैसे फायर लूँ डैमेज दूँ, मुझे ये नहीं पता तो वो हैक टीम अप कर रहा है, देखो यहाँ पर भी देखता हूँ मुझे राइट साइड में ब्लॉक दिखता है, उस ब्लॉक के जस्ट बगल हेड दिखा, उस हेड पे फायर लेता हूँ मैं भाई, 2 बॉडी 1 हेडशॉट लगता है उस बंदे को, काफ़ी मतलब लो था, तभी यहीं पर राइट में एक बंदा दिखा, ये कैप्टन था भाई, यही बंदा हैक करता है राइट साइड में, इस बंदे मैं डैमेज देखना भाई इस बंदे को कितना एक्सट्रीम लो होता है ना, वो किया था मैंने 1 हेड लगा और 2 बॉडी लगी भाई, कसम से इसके पास अगर लेवल 3 या 2 या 1 का हेलमेट होता ना डैमेज टाइप, ये बंदा ठिल चुका होता भाई, काफ़ी सही से एकदम मक्खन स्प्रे मारा था मैंने इसे, और ये हैकर ने बचा ली नहीं तो आराम से मैं चिकन था यहाँ पे, देखो 3 किल्स मेरे और कितने प्लस मिले 15 प्लस मिल गए, और सर्वाइवर सही से सभी प्लस मिल गए सही से, क्रॉन 1 पे भाई इतने प्लस बहुत बड़ी बात हुई, 378 का डैमेज था मेरा इसमें, और दूसरा गेम प्ले देखो ये कौन का टाइगर का गेम प्ले भाई, यहाँ पर मैं जाता हूँ मिल्टा पावर और सामने जो होता है एक हैकर होता है, यकीन नहीं हो रहा हैकर है, अभी देखो इसका स्प्रे देखना, मैं यहाँ पे जाता हूँ एकदम मतलब काफ़ी जंप करते करते जाऊँगा, तभी भी भाई क्या ही मारता है बंदा, एकदम कानों के बगल से गोली जा रही थी उसकी, सारी की सारी गोलियाँ कानों के बगल से गई है बंदे की, वो बंदा हैकर है भाई 100%, और यहाँ पर आता हूँ मैं कवर में, अभी गाड़ी बगल में होती है भाई, और हैकर भाई किस्मत होती है हैकर से, देखो मैं गाड़ी लेके एकदम पास के एकदम ज़्यादा बहुत ज़्यादा दूर आया हूँ गाड़ी से, तभी भी हैकर यहाँ तक आ गया भाई, और इसका ये मतलब नहीं भाई अगर पास से दूर जाओगे हैकर नहीं आएगा, हैकर भाई नॉर्मल लोगों की तरह होते हैं, उनको भी प्लस करवाना होता है, उनको भी मतलब सब कुछ कर चाहिए होता है, इसलिए उनको भी कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, इसलिए सोलो एफपी भी खेल रहे हैं वो भी मतलब सेफ खेलते हैं ज़्यादातर, इसलिए ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे आप सेफ हो हैकर से स्पेशली, इसलिए जैसा खेलो ऐसा खेलो, तभी मैं साइड आता हूँ फ्रीजन कंपाउंड में, तभी मैं यहाँ सोच रहा हूँ यहाँ पे रुकने की सोचता हूँ मैं, अभी राइट साइड से मेरे पे गंदा सा फायर आता भाई, बट जिसने फायर किया था वो लेजिट था हैकर नहीं था, क्योंकि काफ़ी गंदा से स्प्रे था और भाई काफ़ी घुमाता हूँ और काफ़ी जगह बंदे मिलते हैं भाई, हर छोटे मोटे कंपाउंड में लूट रहता है या वहाँ पे बंदे थे, इसलिए मैं यासना आता हूँ और यासना का जो प्रिजन वाली बिल्डिंग होती है ना यहाँ पे रोक लेता हूँ, यहाँ पे पूरा आराम से लूट मारूंगा जब तक कोई ना हो, क्योंकि यासना जैसी सिटी में अगर कोई बंदा आ भी जाता है तो बहुत बड़ा होता है यासना लूटने के लिए, यहाँ पर जोन आता है और मैं जोन के लिए रोटेशन देने के लिए निकल लेता हूँ, अभी 25 बंदे लाइव होते हैं और जोन भी काफ़ी छोटा सा हो चुका होता है, यहाँ पे आता हूँ जोन के अंदर, अभी मुझे गाड़ी घुमाई थी तो जोन ना बने, यहाँ पे आता हूँ मुझे मतलब बस गाड़ी घुमा ही रहता हूँ, तभी मैं तो पीछे साइड एकदम काफ़ी मतलब ढंग से फाइट होती है, देखो सामने वहाँ पे काफ़ी बंदे भी ठिल रहे थे, इसलिए मैं सोचता हूँ वहाँ पे घुमाता हूँ, किल फिट देखो एक बंदा M4 से पिला, एक दोबारा एक और M4 से मिला,
मतलब मुझे समझ गया, वहाँ पे काफ़ी फाइट चल रही है, वहाँ पे मैं थर्ड पार्टी कर सकता हूँ, तभी उस साइड दबा जाता हूँ। देखो सामने तभी मैंने बंदा देखा, वो भाई खड़ा पड़ा है एकदम, स्प्रे लेने को तैयार है, उसने काफ़ी स्प्रे गोली भी मारी थी मेरे पे, पर लगी नहीं, ये अलग बात है। मतलब वहाँ पे हाई रिच पे है बंदा, इसलिए मैं गाड़ी घुमा लेता हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ भाई टॉप 10 में आ जाओ, ज़्यादा भक्त तो ना पे लो, नहीं तो ठिल हो गया, अभी मारने से लगेगा। इसलिए मैं सामने यहाँ पर गाड़ी घुमाता हूँ जब तक जोन ना बने दोबारा। और ये जोन बन गया, देखो क्या ही अजीब सा जोन बना है। अपनी गाड़ी में वापस जोन की तरफ ले जाता हूँ, और किल फिर देखो नेहाल हैकर है ये, मतलब बहुत सारे हैकर हैं इसमें भी। ऐसे सोलो एफपीपी में एक आदमी ही मैच जाता होगा 10-20 में से, इसमें हैकर ना है, वो भी किस्मत पे होता है डिपेंड। मैं राइट साइड में आता हूँ, और यहाँ पे ये रिच जो होती है, मैं यहाँ पे अभी कंफर्म नहीं था जोन है यहाँ पे नहीं है, तभी यहाँ पे आता हूँ गाड़ी ठोक जाती है मेरी। यहाँ पर जैसे ही आता हूँ यहाँ पे गाड़ी से उतरता हूँ, तभी बंदे ने फायर किया, मैं तुरंत एग्जिट में आता हूँ, प्रोन हो जाता हूँ। बंदे के पास मेरी 14 थी, और आराम से प्रोन हो गया मैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे, मेरे पास रिच का कवर है, वो मतलब उसकी गोलियाँ डायरेक्ट मेरे को लग नहीं सकती, इसलिए मैं तभी भी सेफ साइड होने के लिए गाड़ी के पीछे आ जाता हूँ, और यहाँ पे आराम से तब तक होल्ड करूँगा जब तक जोन ना जाए। और मेरे पे जोन भी है, सबसे अच्छी बात मेरे पास जोन भी है, आराम से यहाँ पे होल्ड करता हूँ काफ़ी देर तक जब तक जोन ना जाए। यहाँ पे जोन आता है, तभी देखो सामने से गाड़ी आई है, मैं कंफर्म मतलब गाड़ी के साउंड आ रही है, वो बंदा अभी मतलब वहाँ पे रोकने की सोच रहा है, अभी इसने रोकी नहीं है। मैं वहाँ पे एकदम नज़र गड़ाए बैठ के देख सकता हूँ, तभी वहाँ पे दिखता बंदा। ये बंदा भाई जैसे ही मैं वहाँ पे इसको फाइल लिया भाई, कसम से कवर में चला गया बंदा, एक गोली में भी कनेक्ट नहीं हो पाई इसको। जैसे मैं सोच गया भाई मैं ठेला कन्फर्म है, इसलिए मैं तुरंत प्रोन हो गया, ताकि मतलब उसका एम में पे एग्जैक्ट ना बैठे, और मैं प्रोन होकर उसको काफ़ी गोलियाँ मार दिया, और आराम से बंदा मर गया। और चुल तो होती है बंदों पे, ओपन में बंदा से देखने की पीक लेके, और FPP में तो पीक होता है, वो TPP तो होता नहीं है, FPP में सामने आपको मुँह दिखाना पड़ता है, और उसने मुँह दिखाया, पेल दिया उसको, और जोन बन जाता है। और मैं जोन की रोटेशन देंगे निकल लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कंपाउंड में एक टीम अप होता है भाई दो बंदों का, एक मेरी 14 चला रहा होता है कनेक्टेड। तभी ये बंदे देखो, इस बंदे को भाई मैंने कुचला, और कुचलने की साउंड भी आई, तभी मरा क्यों नहीं भाई, ये क्या ही किस्मत थी भाई ये। यहाँ पर मैं गाड़ी घुमाई जाता हूँ सही सही जगह ढूंढने के लिए, तभी मतलब रोटेशन दे रहा हूँ, मुझे कन्फर्म नहीं पता जाऊँगा, अभी जोन बनने का वेट करता हूँ। तभी यहाँ पर देखो हेड गायब मेरा पदीश हैकर, वाह वाह, ये बंदे के कपड़े देख के बोल सकता हूँ ये बंदा प्लेटिनम डायमंड से ऊपर नहीं होगा, कॉन्कर लॉबिंग आया बंदा। ये देखो लॉन्ग शॉट अपने इस कंट्री में 12 किल निकाल चुका है DP में, 5-7 की आईडी एकदम नई नई आईडी है, फुल हैकर, पिछले मैच में भी हैकर है, इसमें भी है भाई, सोलह से भी मतलब हैकर ही भैया। यहाँ पर मतलब देखो अभी एग्जिट मारता हूँ, दिखाऊंगा तुम्हें मैं प्लस कितना हूँ भाई। यहाँ पर मतलब ये बंदा पूरा मैच निकाले के साथ से बात है, सामने दो टीम है ये भी बात है। ये जो -7 आया मैं, मेरे को प्लस मिला 7 प्लस मिला, और -3 मिला किल रैंकिंग, सिल्वर रैंकिंग 60। चलो कोई नहीं, अच्छी वीडियो नहीं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।